गुड मॉर्निंग। आज मैं आप लोग को बेसिक इंजीनियरिंग ड्राइंग के बारे में बताने जा रहा हूं, जिसमें रे ऑफ साइट क्या होता है, प्रोजेक्शन किस तरह से बनता है और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या होता है और कितने टाइप का होता है, मैं उसके बारे में बताने जा रहा हूं। ध्यान से देखेंगे इस वीडियो को। सबसे पहले रे ऑफ साइट, प्रोजेक्शन बनता कैसे है रे ऑफ साइट से। तो कहता रे ऑफ साइट जो होता है, जो ऑब्जर्वर देख रहा है, अगर आप ऑब्जर्वर हैं तो आप देखेंगे इसको। तो रे ऑफ साइट जो होता है, हमेशा कोई भी ऑब्जेक्ट के कॉर्नर से, एज से पार करता है। और वो जो रे ऑफ साइट होता है, परपेंडिकुलर होता है किसका, या तो एचपी का होगा या तो वीपी का होगा। रे ऑफ साइट हर कॉर्नर से जो निकलेगा वो एक दूसरे का पैरेलल होगा, एक दूसरे के क्या होगा, पैरेलल। रे ऑफ साइट जो होता है, रे ऑफ साइट से ही हम प्रोजेक्शन बनाते हैं किसी वस्तु का, किसी ऑब्जेक्ट का, किसी पॉइंट का, किसी लाइन का। तो सपोज दैट ये ऑब्जेक्ट है, तो अगर आप देख रहे हैं उधर से, तो रे ऑफ साइट कहां से जाएगा, यहां से जाएगा, इधर से पार करेगा, ऊपर से पार कर दम से, सीधे दम से, और परपेंडिकुलर जाएगा किसका, वीपी का, वीपी का परपेंडिकुलर। उसी प्रकार रे ऑफ साइट जो होता है एक दूसरे के पैरेलल होता है, यानी जहां से भी निकलेगा दम से स्ट्रेट ही जाएगा, एक दूसरे के पैरेलल जाएगा। इसी को बोलते हैं रे ऑफ साइट, जो आप देख रहे हैं और उसका जो रे ऑफ साइट देख रहे हैं वो कहां पर जा रहा है, परपेंडिकुलर, या तो वीपी का जाएगा या तो एचपी का जाएगा। तो रे ऑफ साइट आप समझ गए होंगे, रे ऑफ साइट से ही आपका प्रोजेक्शन बनता है। तो अब आइए, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या होता है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। तो आप 10th क्लास में पढ़े होंगे कि इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। यानी कोऑर्डिनेट पढ़े होंगे, कोऑर्डिनेट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो कहता है कि हॉरिजॉन्टल प्लेन और वर्टिकल प्लेन इसमें क्या, हॉरिजॉन्टल प्लेन का मतलब क्या, यानी समतल। हॉरिजॉन्टल प्लेन का मतलब समतल। देख लीजिए, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन हो गया, ये हमारा क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल प्लेन। वर्टिकल प्लेन, इसको जैसे ही ऊपर उठाएंगे तो ये आपका क्या हो गया, वर्टिकल प्लेन। ये आपका हो गया वर्टिकल प्लेन, ये आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन। इधर बोलते हैं साइड प्लेन, इधर बोलते हैं साइड प्लेन। ये आपका वर्टिकल, ये आपका हॉरिजॉन्टल। जहां पे वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल प्लेन मिलता है, देखिए कहां पे मिल रहा है, यहां पे मिल रहा है। जहां पे वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल मिलता है उसको बोलते हैं रेफरेंस लाइन। इसको क्या बोलेंगे, रेफरेंस लाइन। इसको क्या बोलेंगे हम, यहां पे देखिए, ये हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये वर्टिकल, जहां पर कोइंसाइड किया यानी मिला, ये इसको बोलेंगे रेफरेंस प्लेन। हॉरिजॉन्टल प्लेन, वर्टिकल प्लेन, जहां मिलता है उसको क्या बोलते हैं, रेफरेंस प्लेन। और रेफरेंस प्लेन से ही हम सब कुछ, यानी मैं सब कुछ ड्रा करता हूं, प्रोजेक्शन, या तो टॉप व्यू ऊपर होगा, फ्रंट व्यू नीचे आएगा, किसका, रेफरेंस लाइन का। तो यहां पर देखिए, ये हमारा हो गया वीपी, ये हमारा वीपी, ये हमारा क्या हो जाएगा, एचपी, ये हमारा एचपी, ये हमारा वीपी। आप जैसे ही प्रोजेक्शन में आते हैं तो इसको बोलते हैं फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन। इसको बोलेंगे सेकेंड एंगल प्रोजेक्शन, सेकेंड एंगल प्रोजेक्शन। उसी प्रकार ये हो गया थर्ड एंगल प्रोजेक्शन, ये हमारा फोर्थ एंगल प्रोजेक्शन। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन यानी वीपी और एचपी, इधर फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन, इसके पीछे सेकंड एंगल प्रोजेक्शन, ये थर्ड एंगल प्रोजेक्शन, ये फोर्थ एंगल प्रोजेक्शन। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में जो भी हम प्रोजेक्शन करेंगे
वो रेफरेंस लाइन के थ्रू करेंगे, यानी रेफरेंस लाइन से ऊपर या रेफरेंस लाइन से नीचे। तो इसमें देखिए वीपी और एचपी जहां पे कौन साइड क्या, इसके सामने क्या होगा, रेफरेंस लाइन होगा, और इसी रेफरेंस लाइन से सब कुछ हम बनाते हैं। तो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में जो रेफरेंस लाइन होगा, ये एक्स वाई, रेफरेंस लाइन को एक्स वाई से रिप्रेजेंट करते हैं। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में रेफरेंस लाइन को, किसी एंगल में रेफरेंस लाइन को एक्स वाई से रिप्रेजेंट करते हैं। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में वीपी ऊपर हो जाता है और एचपी नीचे हो जाता है, यानी वर्टिकल प्लेन ऊपर होगा, एचपी नीचे होगा, यानी वर्टिकल प्लेन में हमेशा फ्रंट व्यू बनता है। कौन व्यू बनता है? फ्रंट व्यू। वर्टिकल प्लेन में हमेशा फ्रंट व्यू बनता है और हॉरिजॉन्टल प्लेन में हमेशा टॉप व्यू बनता है। एकदम से मेमोरी में रखिएगा, टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू। वर्टिकल प्लेन में फ्रंट व्यू, हॉरिजॉन्टल प्लेन में टॉप व्यू। कहता फ्रंट व्यू को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल लेटर डैश, स्मॉल लेटर डैश, स्मॉल लेटर डैश से, या नंबर 1-2-3-4- ईटीसी, स्मॉल लेटर A-B-C-, हमेशा फ्रंट व्यू को स्मॉल लेटर डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। टॉप व्यू को सिर्फ, टॉप व्यू को सिर्फ किसे, स्मॉल लेटर से, स्मॉल लेटर यानी A-B-C, सो एंड सो नंबर होगा तो 1-2-3, सो एंड सो। यहां तक आप लोग समझ गए होंगे, जहां भी फ्रंट व्यू टॉप व्यू बनाएंगे वहां पर इसको किसे रिप्रेजेंट करते हैं, टॉप फ्रंट व्यू को हमेशा स्मॉल लेटर डैश से, या नंबर होगा तो 1-2-3-4- लेटर होगा तो A-B-C-। उसी प्रकार टॉप व्यू को हमेशा स्मॉल लेटर से A-B-C 1-2-3, सो एंड सो। अब आइए बारी बारी से, अब इसमें फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में फ्रंट व्यू वर्टिकल प्लेन ऊपर काहे चला जाता है और टॉप व्यू नीचे काहे चला आता है, इसको हम लोग देखेंगे और एक का वो क्वेश्चन, एक का क्वेश्चन हम लोग बनाते चलेंगे। ये फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन, ये एचपी हो गया, ये हमारा वीपी। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में इंट्रोडक्शन, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन का इंट्रोडक्शन जो होता है कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में फर्स्ट वीपी यानी वर्टिकल प्लेन एवं द रेफरेंस लाइन अर्थात एक्स वाई एंड टॉप एचपी बिलो द रेफरेंस लाइन, रेफरेंस लाइन के बिलो। यानी देखिए अब क्यों एभव और ऊपर हो जाता है, तो ये हमारा फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन का दिया हुआ है। तो ये वीपी को हमेशा पकड़े हुए रहते हैं, वर्टिकल प्लेन को हमेशा क्या करते हैं, पकड़े हुए रहते हैं, और एचपी को, एचपी को 90 डिग्री से क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं, एचपी को 90 डिग्री से रोटेट करते हैं। कितना डिग्री से रोटेट करते हैं? 90 डिग्री से क्लॉकवाइज, यानी 90 डिग्री। ये अब जब इसको घुमाइएगा तो ये यहां पर आ जाएगा, यही आपका कितना डिग्री हो गया, 90 डिग्री, यानी एक दूसरे के क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। यानी वीपी को हमेशा, वीपी को हमेशा प्रोजेक्शन में पकड़े हुए रहते, यानी वर्टिकल प्लेन को पकड़ के और इसको एचपी को रोटेट करेंगे, किसको रोटेट करेंगे, एचपी को रोटेट करेंगे क्लॉकवाइज। कितना डिग्री से? 90 डिग्री, 90 डिग्री से ज्यादा नहीं करना, 90 डिग्री से रोटेट कर देंगे। तो देखिए ये वीपी तो ऊपर ही रह गया, एचपी हमारा क्या आ गया, एचपी आपका नीचे आ गया, यानी ए आपका नीचे आ गया। तो इस कारण होता है कि वीपी ऊपर हो जाता है, एचपी नीचे हो जाता है। आप जानते हैं कि वर्टिकल प्लेन में क्या बनता है,
फ्रंट व्यू, और हॉरिजॉन्टल प्लेन में टॉप व्यू। क्लियर? अब कहता है, ये भी मैं लिख देता हूं, दूसरा फ्रंट व्यू इन वीपी, टॉप व्यू इन एचपी। एफ डॉट वी का मतलब फ्रंट व्यू, टी डॉट वी का मतलब टॉप व्यू, वीपी का मतलब वर्टिकल प्लेन, एचपी का मतलब हॉरिजॉन्टल प्लेन। यानी ये हमारा वर्टिकल प्लेन फुल फॉर, इसको हॉरिजॉन्टल प्लेन कहता। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में कोई भी ऑब्जेक्ट, पॉइंट, लाइन, सॉलिड जो रखते हैं उसका प्रोजेक्शन बनाते हैं, तो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में जो पॉइंट का हम रखेंगे या लाइन को, किसी भी वस्तु को रखेंगे, तो तीसरा इन एचपी एंड इन फ्रंट ऑफ वीपी, इन एचपी यानी कोई भी पॉइंट, मान लेते कि यही ऑब्जेक्ट है, तो इन एचपी यानी एचपी में रखा हुआ, यहां से वीपी से इन फ्रंट ऑफ वीपी, इसको क्या बोलेंगे, यहां से वीपी से इन फ्रंट ऑफ वीपी, यानी यहां से इसका डिस्टेंस बता रहा है। वर्टिकल प्लेन से इस ऑब्जेक्ट ए का क्या बता रहा है, पोजीशन बता रहा है, यानी पोजीशन बता रहा है कि ये जो सॉलिड है एचपी में रखा हुआ है, लेकिन वीपी से इन फ्रंट ऑफ वीपी, डायमेंशन दिया हो रहेगा 10 mm, 20 mm, 30 mm, 40 mm, जितना mm दिया हो रहेगा, वो आपका इन फ्रंट ऑफ वीपी, पहला स्टेट हो गया। तीसरा, चौथा, एभव द एचपी इन फ्रंट ऑफ वीपी, एभव द एचपी एंड इन फ्रंट ऑफ वीपी, यानी मान लेते कि कोई पॉइंट, यही पॉइंट है, यही सॉलिड है हमारा पी, कोई सॉलिड है, तो कहता है कि यहां से एचपी से ऊपर, यानी एभव द एचपी, यहां से इन फ्रंट ऑफ ही, इसको बोलते हैं एभव द एचपी, आई हो गया इन फ्रंट ऑफ वीपी, यहां से इन फ्रंट ऑफ वीपी, यानी वर्टिकल प्लेन के सामने और हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर पोजीशन है, यानी एभव द एचपी। दूसरा हो सकता है कि इन वीपी एभव द एचपी, इन वीपी, पांचवा इन वीपी एभव द एचपी, यानी मान लेते कि यही सॉलिड है, सॉलिड हमारा बी है, तो कहता है इन वीपी एभव द एचपी, यहां से क्या हो गया, ये हमारा एभव द एचपी, और इन वीपी वर्टिकल प्लेन में है और हॉरिजॉन्टल प्लेन से ऊपर है, यानी जितना डायमेंशन दिया हुआ रहेगा वो हम कर लेते हैं, यही आपका फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन का ये रहता है। पांचवा, छठा चीज याद रखना है कि जो भी फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में ऑब्जेक्ट होता है या पॉइंट होता है, लाइन होता है, हमेशा ऑब्जर्वर और प्लेन के बीच में होता है, ऑब्जर्वर और प्लेन के, यानी ऑब्जर्वर इधर रहेगा, यह हमारा क्या रहेगा, ऑब्जर्वर इधर रहेगा और इधर से देखेगा, ऊपर से देखेगा, ठीक है, ऊपर से देखेगा तो टॉप व्यू, सामने से देखेगा तो फ्रंट व्यू, किसी पॉइंट को, मान इस वस्तु को हम इधर से देख रहे हैं तो यह हमारा क्या हो गया, हम फ्रंट देख रहे हैं, ऊपर से अगर हम देख रहे हैं तो इसको क्या देख रहे हैं, टॉप देख रहे हैं, यानी ये फ्रंट व्यू देख रहे हैं, ऊपर से देखते हैं तो हम टॉप व्यू, आदमी ऐसे खड़ा है सामने से देख रहा है तो हम क्या देख रहे हैं, फ्रंट व्यू, और नीचे ऐसे करके हम नीचे देख रहे हैं तो क्या हो गया, टॉप व्यू। तो कहता है कि इन फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन द ऑब्जेक्ट
लाइज बिटवीन प्लेन एंड ऑब्जर्वर, यानी ऑब्जेक्ट हमेशा ऑब्जर्वर और प्लेन के बीच में होगा फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में, यही आपका। अब देखिए फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में, लेकिन यहां पर देख लीजिए फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन जो होता है थर्ड एंगल प्रोजेक्शन का, यानी फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन का अपोजिट थर्ड एंगल प्रोजेक्शन होता है। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन का अपोजिट थर्ड एंगल प्रोजेक्शन, यानी थर्ड एंगल प्रोजेक्शन फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन जो होता है थर्ड एंगल प्रोजेक्शन के अपोजिट होता है, यानी थर्ड एंगल प्रोजेक्शन जो होगा फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन के अपोजिट होगा। यानी फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में यहां पर देख लीजिए, मैं इसको साफ कर रहा हूं, अब हम थर्ड एंगल प्रोजेक्शन बनाएंगे। तो थर्ड एंगल प्रोजेक्शन ये हमारा हो गया एचपी, ये हमारा वीपी, ये हमारा एचपी, ये हमारा वीपी, ये फर्स्ट एंगल, ये हमारा थर्ड एंगल। फर्स्ट एंगल में फ्रंट व्यू ऊपर, टॉप व्यू नीचे, इसमें फर्स्ट एंगल थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में आपका जस्ट अपोजिट एक्स वाई रेफरेंस लाइन लेते हैं, यानी एचपी हमारा ऊपर हो जाता है, वीपी हमारा नीचे हो जाता है। थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में हॉरिजॉन्टल प्लेन ऊपर चला जाएगा और वर्टिकल प्लेन नीचे चला आएगा, यानी कैसे, जैसे आप देखिए ये हम इसको एक थर्ड एंगल प्रोजेक्शन हो गया, तो थर्ड एंगल प्रोजेक्शन इसको वीपी को पकड़े हुए रहेंगे, वीपी को क्या करेंगे पकड़े हुए रहेंगे, और एचपी को हम क्या करेंगे रोटेट करेंगे क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज कितना डिग्री से, 90 डिग्री से, 90 डिग्री, यानी 90 डिग्री हमारा, ये हमारा 90 डिग्री, यानी एचपी हमारा क्या हो गया ऊपर आ गया, हॉरिजॉन्टल प्लेन क्या चला गया ऊपर चला गया, अब वर्टिकल प्लेन नीचे, यानी थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में हॉरिजॉन्टल प्लेन ऊपर हो जाता है, वर्टिकल प्लेन नीचे हो जाता है। अब इसमें ऑब्जर्वर ऑब्जेक्ट कोई जो रहेगा, इसमें सिर्फ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट जो रहेगा वो बिहाइंड द वीपी और बिलो द एचपी, बिहाइंड द वीपी और बिलो द एचपी, यानी ये हमारा कोई ऑब्जेक्ट है, पी कोई ऑब्जेक्ट है, तो यहां से इधर बिहाइंड द वीपी, बिहाइंड द वीपी और नीचे बिलो द, बिलो द एचपी, यानी ऑब्जेक्ट यहां पर प्लेन जो होता है ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट के बीच में होता है। हेयर प्लेन इज लाई बिटवीन, लाई बिटवीन ऑफ ऑब्जर्वर एंड ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बीच में रहता है। हमारा थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में प्लेन जो होता है ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर के बीच में हो जाता है, लेकिन फर्स्ट एंगल में ऑब्जेक्ट जो होता है प्लेन और ऑब्जर्वर के बीच में हो जाता है। अब आइए अब सेकेंड एंगल प्रोजेक्शन, सेकेंड एंगल प्रोजेक्शन में, सेकेंड एंगल प्रोजेक्शन ये हमारा वीपी, ये हमारा एचपी, कहता सेकेंड एंगल प्रोजेक्शन में दोनों हॉरिजॉन्टल प्लेन और वर्टिकल प्लेन दोनों ऊपर हो जाता है, यानी फ्रंट व्यू टॉप व्यू हमेशा रेफरेंस लाइन के ऊपर बनेगा, यानी हमारा एक्स और वाई, यानी एचपी एंड
वीपी, दोनों रेफरेंस लाइन के ऊपर, यानी टॉप व्यू एंड फ्रंट व्यू दोनों क्या बनेगा, एक्स वाई लाइन के ऊपर बनेगा। कैसे? अब देखिए यहां पे हम फर्स्ट एंगल में सेकंड एंगल में वीपी को पकड़े रहे हैं। हमेशा कहते हैं कि कोई एंगल प्रोजेक्शन हो, वीपी को हमेशा कांस्टेंट रखिए, पकड़े हुए रखिए, और एचपी को 90 डिग्री से रोटेट करना, कौन वाइज, क्लॉक वाइज। तो इसको रोटेट करेंगे, रोटेट करेंगे तो देखिए एचपी कितना डिग्री से, 90 डिग्री से, कौन वाइज, क्लॉक वाइज, तो कहां आ गया, यानी एचपी भी इसके पैरेलल हो गया। यानी सेकेंड एंगल प्रोजेक्शन में हमारा एचपी जो होता है, एचपी और वीपी जो होता है रेफरेंस लाइन के ऊपर हो जाता है, यानी एचपी एंड वीपी ऊपर हो गया, टॉप व्यू और फ्रंट व्यू ऊपर ही बनेगा। क्लियर? अब यहां पर ऑब्जेक्ट जो होता है बिहाइंड द वीपी और एबव द एचपी, मान लेते कि यही हमारा कोई ऑब्जेक्ट सी है, तो यहां से ये हमारा क्या हो गया, बिहाइंड द वीपी, बिहाइंड द वीपी यानी वीपी से पीछे, और एबव द एचपी या इन वीपी या इन एचपी बिहाइंड द वीपी, इन एचपी भी हो सकता है। मान लेते कि यहां पे ऑब्जेक्ट होगा सी पॉइंट, यहां पर आ गया तो इन एचपी और बिहाइंड द वीपी, अगर नीचे इसमें रखा हुआ तो इन एचपी और बिहाइंड द वीपी। ए यानी इसमें जो ऑब्जेक्ट होता है, इसमें ऑब्जेक्ट बिहाइंड द वीपी, यानी इसमें सेकेंड एंगल प्रोजेक्शन में, सेकेंड एंगल प्रोजेक्शन में आपका प्लेन जो होता है ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर के बीच में होता है, सेकेंड एंगल इन, सेकेंड एंगल प्रोजेक्शन प्लेन लाई बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर, ठीक है, ऑब्जर्वर यानी ऑब्जर्वर इधर रहेगा। क्लियर? प्लेन हो गया वर्टिकल प्लेन, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, यानी ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर के बीच में प्लेन होता है। फोर्थ एंगल जो होता है जस्ट सेकेंड एंगल का अपोजिट होता है। फोर्थ एंगल प्रोजेक्शन जो होता है हमेशा सेकेंड एंगल प्रोजेक्शन के अपोजिट होता है। तो सेकेंड एंगल प्रोजेक्शन देख लेते हैं, फोर्थ एंगल प्रोजेक्शन, ये हमारा एचपी हो गया, ये हमारा वीपी, यानी सेकेंड एंगल प्रोजेक्शन में टॉप व्यू फ्रंट व्यू एचपी वीपी एक्स वाई लाइन के ऊपर हो गया, तो इसमें क्या हो जाएगा, एक्स वाई रेफरेंस लाइन के नीचे, यानी एक्स वाई हम रेफरेंस लाइन लेते हैं तो हमारा एचपी एंड वीपी रेफरेंस लाइन के नीचे, यानी हमारा टॉप व्यू एंड फ्रंट व्यू हमेशा नीचे बनेगा, यानी रेफरेंस लाइन के नीचे बनेगा। तो कैसे बनता है, देखिए प्रोजेक्शन के, यहां वीपी को पकड़े रहेंगे और एचपी को क्या करेंगे, रोटेट करेंगे, कौन वाइज, क्लॉक वाइज, कितना डिग्री से, 90 डिग्री से। देखिए दोनों नीचे आ गया, यानी इस यहां पर रेफरेंस लाइन हो गया तो दोनों क्या हो गया, नीचे आ गया, यानी इसमें हमारा ऑब्जेक्ट जो होता है प्लेन और ऑब्जर्वर के बीच में होता है। इन फोर्थ एंगल प्रोजेक्शन ऑब्जेक्ट लाई बिटवीन प्लेन एंड ऑब्जर्वर। क्लियर? यानी प्लेन और ऑब्जर्वर के बीच में रहेगा, किस में, फोर्थ एंगल प्रोजेक्शन में। और फोर्थ एंगल प्रोजेक्शन में बाबू हमेशा जो टॉप व्यू फ्रंट व्यू बनता है हमेशा रेफरेंस लाइन के नीचे बनता है। क्यों बनता है, देख लीजिए, यहां वर्टिकल प्लेन को पकड़ लिए और ये मान लेते हैं यही ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, तो ये ऑब्जेक्ट ऊपर से देखिएगा, ऊपर से देखिएगा तो टॉप व्यू, सामने से देखिएगा तो फ्रंट व्यू। तो अगर ये पी पॉइंट है,
तो पी पॉइंट का, तो यहां पर क्या बनेगा हमारा पी बनेगा, और इसको यहां पर सामने देखिए ये हमारा क्या बन जाएगा पी डैश, सामने देखिएगा फ्रंट व्यू, ऊपर से देखेंगे तो टॉप व्यू, यानी ये पॉइंट आपका ये टॉप व्यू, ये तो फ्रंट व्यू बनेगा, टॉप व्यू रोटेट करेगा कितना डिग्री से 90 डिग्री से क्लॉक वाइज, तो यानी पी आपका यहां आ गया, यानी दोनों फ्रंट व्यू और टॉप व्यू नीचे बना। अब आगे बढ़िए, एक प्रॉब्लम बता देते हैं, मान लेते हैं फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में ए पॉइंट पी इज 10 mm above the HP and 20 mm in front of VP। इस न्यूमेरिकल को बनाने के पहले आप फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन का फिगर ड्रा करिए। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन हो गया, ये VP और ये हमारा HP, ठीक है। जहां पे वर्टिकल प्लेन हॉरिजॉन्टल प्लेन मिलता है उसको क्या बोलते हैं रेफरेंस लाइन। तो कहता है 10 mm एभव और 20 mm, यानी यहां से वीपी से 20 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी, यानी वीपी 20 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी, यही पॉइंट आपका हमारा पी है, ठीक है। और यहां से 10 mm ये हमारा यहां से 10 mm above the HP, 20 mm in front of VP और 10 mm above the HP। अब देखिए यहां पर से ऑब्जर्वर देखेगा तो ये सामने देखेगा, क्या देखेगा फ्रंट व्यू, और ऊपर से देखेगा तो क्या देखेगा टॉप व्यू। कहता है फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में, नोट में, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में वर्टिकल प्लेन और हॉरिजॉन्टल प्लेन, वर्टिकल प्लेन और हॉरिजॉन्टल प्लेन नॉन ट्रांसपेरेंट होता है। क्या होता है नॉन ट्रांसपेरेंट, बोथ प्लेन, ये फर्स्ट एंगल, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में बोथ प्लेन यानी वर्टिकल प्लेन हॉरिजॉन्टल प्लेन नॉन ट्रांसपेरेंट होता है, यानी इससे जो रे बाहर नहीं निकल सकता है, यानी प्रतिबिंब यहां से देखेंगे तो यहीं पर हमारा बन जाएगा ये हमारा P डैश, ऊपर से देखेंगे तो ये हमारा P। अब देखिए यहां से अब तो फ्रंट व्यू हमारा कितना ऊपर चला गया यहां पर, अब सबसे पहले ड्रा करने के लिए क्या करेंगे रेफरेंस लाइन खींच लेंगे एक्स और वाई। हमारा यहां से वर्टिकल हॉरिजॉन्टल प्लेन से ये पॉइंट कितना ऊपर है 10 mm, तो 10 mm हम ऊपर चल जाएंगे, ये हमारा हो गया पी डैश, यानी ये हमारा डायमेंशन हो गया 10 mm। अब कहता है वीपी से कितना है, तो वीपी से देखिए 20 mm, अब इसको यहां पर प्रकार का कड़ा पॉइंटर रखिए, यहां पर पेंसिल का पॉइंटर, इसको घुमाइए, ये आपका नीचे आ गया P, यानी कितना ही डिस्टेंस है 20, यानी P हमारा, P आपका यहां पर आ गया, ये कितना mm नीचे आएगा रेफरेंस लाइन से 20 mm, यही आपका प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट P का ड्राइंग है, प्रोजेक्शन को क्लियर। आगे एक इंट्रोडक्शन और क्लास लेंगे, उसमें भी आपको बता दिया जाएगा। इस वीडियो को देखिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट जरूर करें। अगर हमारा अब आगे चलिए, इसी को थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं, वीपी एचपी, वीपी एचपी माने एंगल ऑफ प्रोजेक्शन में देखेंगे कि वर्टिकल प्लेन हॉरिजॉन्टल प्लेन का, यानी उसका
प्रवृत्ति क्या रहता है, यानी उसका बीम कैसा होता है। तो फर्स्ट एंगल में तो बोल दिए हैं कि ये दोनों नॉन ट्रांसपेरेंट, लेकिन यहां पर देखिए सेकेंड एंगल प्रोजेक्शन में, सेकेंड एंगल प्रोजेक्शन में वीपी ट्रांसपेरेंट होगा, ट्रांसपेरेंट, लेकिन हॉरिजॉन्टल प्लेन नॉन ट्रांसपेरेंट। क्लियर? सेकेंड एंगल प्रोजेक्शन में वर्टिकल प्लेन ट्रांसपेरेंट, हॉरिजॉन्टल प्लेन नॉन ट्रांसपेरेंट, क्योंकि ऑब्जर्वर ऑलवेज रेस्ट इधर, तो यहां से देखेगा तो जब तक ये पॉइंट इधर है तो इसको जब तक नहीं देखेगा बाहर इसको इधर वाले को, अगर ये डार्क रहता है तो कहां से दिखाई देगा, पारदर्शी रहेगा तब ना दिखाई देगा। तो यहां से इसका पॉइंट यहां पर बन जाए, यानी फ्रंट व्यू यहां बनेगा, ऊपर से देखेगा है आदमी तक टॉप व्यू हमारा यहां पर बन जाएगा। क्लियर? अगर ये ट्रांसपेरेंट रहता तो नीचे चला जाता, तो इसलिए क्या हो जाता है, नॉन ट्रांसपेरेंट होता। अब थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में दोनों वीपी और एचपी नॉन ट्रांसपेरेंट नहीं, ट्रांसपेरेंट होता है। बोथ यानी एचपी एंड वीपी आर ट्रांसपेरेंट, यानी थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में वर्टिकल प्लेन हॉरिजॉन्टल प्लेन क्या होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। फोर्थ एंगल प्रोजेक्शन में ये हो गया, ये हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये वर्टिकल प्लेन। तो फोर्थ एंगल प्रोजेक्शन में क्या होता है, ऑब्जर्वर हमेशा राइट साइड, ठीक है, ऑब्जर्वर हमेशा राइट साइड। तो फोर्थ एंगल प्रोजेक्शन में हॉरिजॉन्टल प्लेन, अब वर्टिकल प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन आपको ट्रांसपेरेंट होगा, वर्टिकल प्लेन नॉन ट्रांसपेरेंट, यानी हॉरिजॉन्टल प्लेन नॉन ट्रांसपेरेंट कि ट्रांसपेरेंट, 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 वीपी नॉन ट्रांसपेरेंट। क्लियर? यही आपका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन में, इतना चीज ध्यान में रखेंगे तो आपको ड्राइंग में कहीं दिक्कत नहीं होगा, मेरा वादा है बाबू। अगर ये वीडियो देख लोगे फर्स्ट बार और देख के अच्छा से आप इसको दिमाग में हमेशा रखोगे तो ड्राइंग में आपको प्रोजेक्शन यानी फ्रंट व्यू टॉप व्यू समझने में कहीं दिक्कत नहीं होगा, और फ्रंट व्यू टॉप व्यू को नॉन क्लियर में कहीं दिक्कत नहीं होगा। क्लियर? दैट्स ऑल, थैंक यू।